पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर उत्साहित हैं कि आज हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान पर विजय पताका लहराकर दीपोत्सव का आगाज करेगी। पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में आगाज होगा। पाकिस्तान पर विजय पताका जैसे ही लहराएगी भारतीय क्रिकेट टीम, जिस तरह से हमारी सेना सशक्त है बॉर्डर पर, ऐसे ही खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में भारतीय टीम के सारे सोल्जर तैयार हैं कभी भी शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान टीम को। भारत पाकिस्तान के आपसी तनाव के बीच पूरे 5 साल बाद आज T20 विश्व कप में दोनों देशों की टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कानपुर में स्पोर्ट्स क्लब खिलाड़ियों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सभी टीम इंडिया को चीयर अप कर रहे हैं और टीम इंडिया को जीतने पर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाने की बात इन लोगों ने कही है। भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच में ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच में हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, जिसको लेकर के सभी के अंदर अति उत्साह है। हमारे साथ में कुछ स्पोर्ट्स खिलाड़ी मौजूद हैं। विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ये सब बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत ज़्यादा क्लास है इनकी बैटिंग में, तो वो अच्छा स्कोर ले जाएंगे इंडिया टीम को। और बॉलर और बॉलिंग में दीपक चहर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, इन सब से विकेट टेकिंग की आशा है। हमारे साथ में एक और महिला स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या उम्मीद है आपको, कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला है और क्या अंतर रहने वाला है? सूर्य कुमार यादव, KL राहुल जो है अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा भी है, जैसे विराट कोहली है, और बाकी बॉलिंग में जैसे कि जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, ये सब विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। क्या एक्साइटमेंट है मैच को लेकर के? एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि ये बहुत सालों बाद मैच ये देखने को मिलेगा इंडिया पाकिस्तान का, और एक्साइटमेंट तो बहुत है। पटाखे, मैं तो पटाखे फोड़ने वाली हूँ इंडिया जीतेगी तो। पूरा देश जो है वो बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहा है, तो वहीं ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, ये भी बहुत ही बेसब्री से जो है मैच का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मैच में कौन जीतता है और कितने अंतर से भारत जीत दर्ज करता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। हर बड़ी खबर के लिए आप कू पर भारत समाचार से जुड़ सकते हैं, आप हमें कू पर फॉलो भी कर सकते हैं।